दोस्तों आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर वाली शाही पनीर की सब्जी, जो हम बनाएंगे तो घर में, बट फ्लेवर और टेस्ट आएगा इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है ये सब्जी, तो रेडी हो जाइए। तो दोस्तों मैं शिखा स्वागत करती हूँ आपका अली बर्ड्स पर, और आज हम बना रहे हैं शाही पनीर की सब्जी। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा बटर डाला है, आप घी भी डाल सकते हैं, और ऐड किया है मैंने थोड़ा सा उसमें मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद जब वो हीट हो जाए तो उसमें मैंने बड़े बड़े चॉप किए हुए अनियन, मिर्ची, गार्लिक, जिंजर डाल के इसको सॉटे किया है, और मैं अब डाल रही हूँ इसमें लौंग, 8 से 10 लौंग और 8 से 10 काली मिर्च, उसको भी हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े और 2 बे लीफ के 2 छोटे टुकड़े, काली इलायची और हरी इलायची यानी कि बड़ी और छोटी इलायची। मसाले ये भून लेने हैं, प्याज को हमें भूनने तक पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है, भूनने तक पकाना है। और पिसे हुए मसालों के लिए मैंने दही लिया है, दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और जीरा पाउडर और गरम मसाला। वो मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसी मसाले में हम सॉटे कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो दही के साथ मसाले जब कुक होंगे तो एक तो मसाले जलेंगे नहीं, और दही के फैट के साथ अच्छे से आराम से धीरे धीरे कुक होते रहेंगे। तो मसाले कुक होने के साथ साथ मैंने इसमें काजू डाल दिए हैं, 15 से 20 काजू डाले हैं रिच फ्लेवर के लिए, और 4 बड़े टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काट के डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकाना है, तो सॉफ्ट करने के लिए मैं नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ इस पर। थोड़ा सा कुक करते हैं इसमें और कवर कुक करके पकाते हैं। तो देखिए अभी टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, आप थोड़ा सा और इसको कुक कर सकते हैं ढककर। कुक करने के लिए देखिए पानी कम हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से स्टीम के साथ कुक हो जाए। तो और एक 5-10 मिनट के लिए ढक दीजिए इसको। अब काफ़ी अच्छे से टमाटर मुशी हो गए हैं, पक गए हैं, मतलब ये अब हम इसको ठंडा करने के लिए आराम से रख सकते हैं। ठंडा करने के बाद हमें इसे पीसना है, काफ़ी पतला पीसना है। देखिए मैंने इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म पैन में तो ये ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। साथ में मैंने इसमें बटर डाल दिया है 1 चम्मच, ताकि इसमें क्रीमीनेस, रिचनेस थोड़ी बढ़े। अच्छा दोस्तों, शाही पनीर में मसाले बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो हम अपने खड़े मसाले इस स्टेज में बाहर निकाल लेंगे। अगर हमने उनको रहने दिया तो फिर वो पीसने के बाद काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हमें शाही पनीर में से सारे निकाल लेने पड़ेंगे। अपने मसालों को पीस के ऐसी अच्छी सी ग्रेवी बना लीजिए। थोड़ा सा अभी भी देखा जाए तो इसमें टमाटर की छिलकी वगैरह काफ़ी हैं, तो हम इसे स्ट्रेन भी कर लेंगे, क्योंकि शाही पनीर एक्चुअली काफ़ी क्रीमी और काफ़ी सॉफ्ट टेक्सचर का होता है, तो वो टेक्सचर लाने के लिए उसकी ग्रेवी में हमें इसे स्ट्रेन करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे हाथ से भी कर सकते हैं या चम्मच से हिला हिला के भी कर सकते हैं। देखिए कितना सारा अभी हमारा वो निकल गया है इसमें से छिलके वगैरह, और अब हमारी ग्रेवी काफी स्मूथ और काफी सॉफ्ट सी बन गई है। तो अब हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने वापस से उसी पैन में धोकर तेल डाला है, और उसके साथ थोड़ी सी शक्कर तेल गर्म होने के बाद डाल दी है ताकि वो कैरामलाइज्ड हो जाए और जो स्वीटनेस होती है शाही पनीर की वो टेस्ट उसमें आ जाए। साथ में मैंने डाल दिया था इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर तीखा करना है तो आप लाल मिर्च डालिए, अदरवाइज आप कश्मीरी लाल मिर्च डालिए। कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो तीखापन नहीं आएगा। लाल मिर्च डालते ही आपको उसमें अपनी ग्रेवी डाल देनी है और उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना है ऑयल और मिर्च के मसाले के साथ। और जब ग्रेवी आपकी गर्म हो जाए तो उसमें अपने पनीर के क्यूब डाल दीजिए और उसे कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। कम से कम 5 मिनट हमें कुक करना है ताकि जो पनीर है वो एब्जॉर्ब कर ले सारा हमारा ग्रेवी का जो टेक्सचर है, ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने इसमें क्रीम डाल दी है। क्रीम मेरे घर की दूध में से निकली वाली है, तो मलाई में अगर आप थोड़ा सा दूध डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरह से फेंट लेंगे, तो क्रीम बनी जाएगी। क्रीम थोड़ा और गर्म होने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल दी है। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें, मतलब अमेजिंग फ्लेवर आता है। जब कसूरी मेथी का फ्लेवर भी सब्जी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए तब आप इसे सर्व करने के लिए रेडी समझ सकते हैं। इसे एक अच्छे सर्विंग बोल में निकाल लीजिए और गार्निश कीजिए थोड़ी सी और कसूरी मेथी के साथ।
और ऊपर से क्रीम। बहुत ही अच्छी, बहुत ही यम्मी और एकदम परफेक्ट सब्जी बनेगी ये। आप लोग घर में जरूर ट्राई करिएगा दोस्तों। बहुत आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट से भी अच्छी सब्जी बनने वाली है ये शाही पनीर की। आपको बना के जरूर मजा आएगा, तो इसे घर में जरूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। मेरे ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए। मिलती हूँ फिर एक और नए वीडियो में। बाय बाय।